धार के कुक्षी में एसडीएम की प्रताड़ना से तंग आकर एक व्यापारी के लापता होने का मामला सामने आया है। किराना व्यापारी राजेश धारीवाल की पत्नी ने कुक्षी थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और एसडीएम पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि एसडीएम सभी आरोपों को नकार रहे हैं। विवेक कुमार जी एसडीएम द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा किराना के लेन देन में प्रताड़ित किया गया है। उनको अपशब्द कहे गए हैं और वो प्रताड़ित होकर गुमशुदा हो गए। दो दिन से लापता है, उनका फ़ोन बंद आ रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एसडीएम और उनकी पत्नी रहेंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम है राजेश धारीवाल और इनकी पुलिस थाने के पास में एक अपनी दुकान है और जो बाहर से मेरे घर की भी सामग्री आई है उसे तो सबसे पहले इनके द्वारा फोन के माध्यम से मेरे परिवार वालों के साथ में बातचीत की गई और सिर्फ यही नहीं उसके बाद वो स्वयं एसडीएम बंगले पे आए और फिर एसडीएम बंगले के भी उन्होंने बातचीत की और जहां तक कार्यवाही का सवाल है वहां पे शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जो भी उनके बिंदु है मैंने भी आज सुबह वो वीडियो और ऑडियो देखा तो उनके सारे के सारे बिंदु जो है वो झूठ है गलत है।